हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो आज था छठ पूजा का सेकेंड डे और यानी खरना। तो बहुत काम थे, सुबह पानी आया, फिर मैंने पानी भर के यहाँ पे मार दिया बाइफर और फिर मैं चली गई ऊपर। पहले झाड़ू पोछा करना था मुझे, घर की सफाई करी पहले मैंने और फिर झाड़ू लगा दिया फटाफट। यहाँ हॉल है, फिर मुझे आज मॉपिंग भी करनी थी और आज सैटरडे था तो पोछा लगाना पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक, वरना मैं रोज़ ऊपर पोछा नहीं लगाती, सिर्फ नीचे नीचे लगा देती हूँ, दो तीन फ्लोर पे ऊपर छोड़ देती हूँ। और पर सैटरडे संडे और ट्यूसडे ऐसे डेज तो मुझे करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे मॉपिंग की और मैं करते हुए नीचे उतर गई, फिर मैंने इस फ्लोर को साफ किया। यहाँ कोई रहता नहीं है पर साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है, तो यहाँ मैंने सफाई कर दी। यहाँ तक मैं मॉपिंग करती हूँ पर इसके नीचे मैं ना पोछा ही हाथ से ही यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं अपनी बहन के साथ मस्ती कर रही थी, फिर मैंने वो वाला फ्लोर भी साफ़ कर दिया, मैं नीचे उतर गई। नीचे मैं कर ही रही थी साफ़ तो मेरी बहन लेके बैठ गई बर्तन। इन्होंने कल भी बर्तन धोए थे पर इन्होंने बोला आज भी धो देते हैं, चमक आ जाएगी एक। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने किचन के बर्तन धो दिए, फिर रात को धोए थे पर वो लंच करने के बाद जो हो जाते हैं ना बर्तन तो वो हो गए थे। फिर मम्मी को प्रसाद बनाना था तो मेरी बहन सिलेंडर ले आई, मैंने बुक तो किया था पर ना आया नहीं था, तो हमने बोला कि ठीक है तो हमने कहीं से मंगाया था तो दीदी वहीं से लेके आई है सिलेंडर। उसके बाद मैंने पोछा लगा के मैंने नहा लिया और यहाँ मैं खाना खा रही थी, तो यहाँ ये मेरी बहन है ना बस फ़ोन चलाती रहती है। यहाँ मैंने खाना खाया और गाइस मैं खाना खाने के बाद सोई थी, मतलब हल्का सा ही लेटी थी। मुझे पता चला, मेरे भाई ने बताया कि मम्मी बैठ गई हैं प्रसाद बनाने, जा रिकॉर्डिंग कर ले वरना छूट जाएगा कुछ। फिर मैं भागी भागी गई मम्मी के पास कि कुछ छूट ना जाए। यहाँ पे मैं जा रही थी, यहाँ मैं आ गई मम्मी के पास कि मम्मी ने स्टार्ट कर दिया प्रसाद बनाना। शाम को बनता है खीर और रोटी और इसे ही प्रसाद कहते हैं, खरने वाले दिन यही बनता है खीर और रोटी। तो मम्मी यहाँ खीर की तैयारी कर रही थी और ये रही मैं मम्मी के पास ही रहती हूँ क्योंकि फिर ज़रूरत होती है कुछ कुछ सामान लाने की, तो वो इसलिए। गाइज उसके बाद ना मम्मी ने भेज दिया मुझे दूध लाने के लिए। वैसे तो भैंस का दूध लगता है पर अभी कमंडल वाले से ही करना पड़ता है क्योंकि यहाँ भैंस का दूध मिलता नहीं है इतनी जल्दी। फिर मैं घर आई तो मम्मी ने आटा सान लिया था, खीर बन के रेडी हो चुकी थी। मम्मी को हम कहते हैं कि थोड़े से बनी जितना हाँ प्रसाद बना सकती है, वरना मेरी मम्मी से ना होता नहीं है इसीलिए तो उतना ही बोलते हैं, वरना हम एक्स्ट्रा जो बांटने वाला होता है वो हम बना लेते हैं। फिर मैं चली गई बाज़ार अपनी बहन के साथ और ये बाज़ार ना बहुत सालों बाद मैं आई थी, पहले ना बचपन में आती थी मैं पापा के साथ और यहाँ पे ना छोले भटूरे खाती थी आके। अब वो मैं आई थी तो मेरे को याद आ रहा था कोने में ना, वहाँ कोने में छोले भटूरे मिलते थे। फिर मैं वापस घर आई तो मैंने बोला ये फ्रूट्स काट दे, तो फिर मैं उसी में लग गई। फ्रूट्स थे और ये कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे मूली था तो फिर मैंने वो काटा। ये भी प्रसाद होता है, फ्रूट्स भी चढ़ते हैं और मैं काट रही थी। और जैसा मैंने आपको बताया जो बांटने वाला होता है वो प्रसाद हम बनाते हैं और मम्मी का खिला देते हैं। तो खीर तो मम्मी ने बना दी थी पर रोटी मम्मी से नहीं बनती है, मेरे मम्मी से रोटी ऐसे आम दिन भी नहीं बनाती मम्मी खाना, तो मैंने बोला मैं बना देती हूँ। फिर मैंने आटा सान के बना दिया, एक तरफ मेरी बहन सब्जी बना रही थी और एक तरफ मैं रोटी बना रही थी। और आपको देख के ना किचन बहुत कंजस्टेड लगेगा पर यहाँ में ना आदत हो गई है, बहुत सालों से हम बैठ के ही रोटी बना रहे हैं और बैठ के ही बर्तन धो रहे हैं, अब हमें आदत हो चुकी है। अब हमारे लिए अजीब है ये खड़े होकर रोटी बनाना और खड़े होकर बर्तन धोना क्योंकि बहुत सालों से ही मेरा किचन ऐसी ही है और हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं अब तो आदत हो गई है, तो आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा। सो
फिर उसके बाद नायरा आ गई थी, फिर मैंने नायरा के साथ खेला थोड़ा सा ही, क्योंकि काम तो हो गया था जो भी करना था। फिर मैंने अपनी बहन को दे दिया था नायरा को, क्योंकि वो आती हैं तो फिर खिला नहीं पाती, वो ऑफिस में होता है कोई तो कोई कोई, मेरे पास तो नायरा रहती है, मैं तो खिलाती रहती हूँ उसको। फिर मम्मी की पूजा हो गई थी तो ये पूजा करनी थी पहले पापा ने की, फिर बारी बारी से हम सब ने की। तो हम वही कर रहे थे, फिर जो प्रसाद चढ़ा था मम्मी ने प्रसाद खा लिया था, तो मैंने सबको प्रसाद बांट दिया कि करके ये जो प्रसाद चढ़ता है ना वो सिर्फ घर के लोग खाते हैं, तो मैं वही दे रही थी सबको कि फिर कोई रह ना जाए। जीजू भी आए हुए थे तो वो सब ऊपर बैठे हुए थे, तो मैंने सबको ढूंढ ढूंढ के सबको खिला दिया प्रसाद। बाद में इंसान खाता रहता है पर पहले ये वाला प्रसाद ज़रूरी होता है, तो ये मैंने सबको खिला दिया। फिर हम चले गए प्रसाद बांटने, और मम्मी कहती है कि छठ पूजा का प्रसाद ना, बहुत लोग ये बोलते हैं कि काश छठ पूजा का प्रसाद मिलता है, इसलिए मम्मी ना बांट देती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय गाइस, टेक केयर, जय छठी मैया।